Hello, bacho. Let's see this question. So the question over here says, which part of the tobacco plant is infected by Melioidogene incognita? Option A, flower. Option B, leaf. Option C, stem. Option D, root. So question में पूछ रहे हैं कि जो हमारा Melioidogene incognita होता है, ये कैसे टोबैको प्लांट को किस पार्ट पर इन्फेक्ट करता है? So the key concept here is Melioidogene incognita. So incognita. So ये जो होता है, ये आता है हमारा नेमाटोड्स की कैटेगरी में. So इसको हम कॉमनली रूट नॉट नेमाटोड भी बोलते हैं. So it's a root knot nematode. And name से पता चल रहा है ये जनरली जो है हमारे रूट्स को इफेक्ट करता है. सो ये ऐसे प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट्स रूट्स ऑफ प्लांट्स. एंड इन प्लांट्स के एग्जाम्पल्स होते हैं जनरली टोबैको प्लांट्स. सो ये क्या करता है, ये रूट्स में गॉल्स या नॉट्स की फॉर्मेशन कर देता है. सो या तो हम गॉल्स कहते हैं और नॉट भी बोलते हैं. एंड इनकी फॉर्मेशन करता है इन रूट्स, जिसके वजह से जो प्लांट है उसकी रिड्यूस्ड प्लांट ग्रोथ होने लगती है. सो बेसिकली वो प्लांट जो है वो बढ़ नहीं पाता है इतना. डिफरेंट ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज फ्लावर. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज जो हमारा ये जो नेमाटोड होता है ये क्या करता है, ये फ्लावर्स को इफेक्ट नहीं करता है. So this does not affect plants, does not impact flowers, because ये जो होता है ये हमारा roots को affect करता है. And it could be possible कि root के effect होने से, root के damage होने से ये आगे जाके flowers जो हैं वो ढंग से grow ना करें या फिर वो damaged हो, but directly जो है वो impact नहीं करता. Option number B is leaf. So ये लीव्स को भी इफेक्ट नहीं करता. सो दिस डज नॉट इम्पैक्ट लीव्स डायरेक्टली. हाउएवर अगर हमारे रूट्स डैमेज होंगे सो हमारे जो लीव्स होते हैं वो भी ढंग से ग्रो नहीं कर पाते. सो देयरफॉर जो लीव्स होते हैं वो भी डैमेज्ड होती हैं. ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं विच इज स्टेम. सो अगेन हमारा जो ये नेमाटोड होता है ये हमारी रूट्स को डैमेज करता है ना कि स्टेम को. एंड रूट्स के डैमेज होने के वजह से जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो इफेक्टेड होती है. एंड इसकी ग्रोथ में जो इसकी स्टेम है सबसे पहले वही इफेक्टेड होती है. सो ऑप्शन नंबर डी हमें गिवेन है विच इज रूट. सो ये जो होते हैं निमाटोड ये क्या करते हैं, ये नॉट्स बनाते हैं हमारी रूट्स में. टोबैको प्लांट्स हो गए जैसे, इनकी रूट्स में नॉट्स बनाते हैं जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ जो होती है वो अफेक्टेड होती है. बिकॉज जो न्यूट्रिएंट एंड वाटर अपटेक होता है वो जनरली डैमेज होने लगता है. सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, रूट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.